साइबेरिया के इस हरे भरे इलाके में दूर दूर तक जमीन जमी हुई है। जमी हुई जमीन यानी परमाफ्रॉस्ट, ये सैकड़ों मीटर की गहराई तक दबा है। अमूमन कम से कम 2 साल तक जमे रहने के बाद इसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। हालांकि दुनिया का तापमान बढ़ने के कारण ये पिघल रहा है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलकर वायुमंडल में मिल जाती है। वैज्ञानिक निकिता जिमोव इस इलाके में अपने पिता और पर्यावरण विज्ञानी सर्गेई जिमोव के साथ पले बढ़े हैं। ये दोनों साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन भी चलाते हैं। ये शुद्ध बर्फ है, 50% तलछट कार्बन नहीं है, ये बर्फ है और तेजी से पिघल रही है। यहाँ बर्फ इस तलछट में मिलकर उसे कीचड़ बना देती है जो यहाँ से नीचे जा रही है। बर्फ जमीन में विक्षोभ पैदा करती है और ये खतरनाक है। सिर्फ कार्बन का ही खतरा नहीं है। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना कोई नई बात नहीं है। सर्गेई जिमोव कई दशकों से इस खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। 2010 से ही वो बर्फ को माप रहे हैं। उसके बाद से लैंडस्केप में बहुत कुछ बदल चुका है। जब मैं बच्चा था तो परमाफ्रॉस्ट का तापमान -6 रहता था, अब ये औसतन -3 है। अगर कोई बेहद गर्म साल हो और सर्दियों में खूब बर्फबारी भी हो, जैसा 2018 में हुआ था, तो परमाफ्रॉस्ट पिघलना शुरू कर देता है। सर्दियों में कई जगहों पर पूरी जमीन जमी ही नहीं। आर्कटिक लेयर जो हर साल गर्मियों में पिघल जाता है और फिर नवंबर या दिसंबर में जम जाता है, वहां 2018 में किसी वजह से ऐसा हुआ ही नहीं। रेंडियर पालना इस इलाके में कई दशकों से जीवन चलाने का प्रमुख जरिया रहा है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से टुंड्रा के इलाके में विक्षोभ पैदा हो रहा है और इसकी वजह से रेंडियर को प्रवास के नए रास्ते खोजने पड़ते हैं। गडरिये बताते हैं कि बर्फ का आवरण बदल रहा है। इसकी वजह से बर्फीली भूपरपटी बन रही है जो खाना खोजने के दौरान रेंडियरों की मांसपेशियों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जमीन में होने वाले विक्षोभ के भी घातक नतीजे हैं। जमीन घटती है, खाई बन जाती है, कीचड़ का बहाव आता है। इसके साथ ही परमाफ्रॉस्ट पर मौजूद इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो जाता है। तो अगर कोई पेड़ है तो गिरेगा और नदी में बह जाएगा। सड़क या घर है तो उसका निचला हिस्सा ढह जाएगा, इमारत गिर जाएगी। परमाफ्रॉस्ट में पूरे वातावरण से ज्यादा कार्बन जमा है। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। जो यहाँ हो रहा है उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। परमाफ्रॉस्ट में जो सूक्ष्म जीव हैं वो जाग जाएंगे और कार्बनिक पदार्थों को ग्रीन हाउस गैसों में बदलना शुरू कर देंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड या मिथाइल है। रूस की 65% से ज्यादा और उत्तरी गोलार्ध की करीब 1/4 जमीन के नीचे परमाफ्रॉस्ट है। रूस में तापमान पहले ही बाकी दुनिया की तुलना में 2.5 गुना तेजी से बढ़ रहा है। परमाफ्रॉस्ट में करीब 1499 गीगाटन कार्बन मौजूद है, यानी वातावरण में जितना अभी कार्बन है उससे कहीं ज्यादा। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से धरती पर कितना बड़ा संकट आएगा समझना मुश्किल नहीं है।